गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 हैंडलिंग अ माउस। तो हमने लास्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए थे, अब हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। द फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है लेफ्ट ऑप्शंस को राइट ऑप्शन से। द फर्स्ट वन इज ड्रैग। क्या मतलब होता है ड्रैग का? ड्रैग का मतलब होता है स्क्रीन पे मूव करना। तो इसमें क्या आएगा? मूविंग एन आइटम। वी विल मैच ड्रैग टू मूविंग एन आइटम। नेक्स्ट पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है? मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन पे एक एरो होता है, उसको माउस पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर एक टाइप का एरो है। नेक्स्ट डबल क्लिक। डबल क्लिक का क्या मतलब होता है? जब हम अपने माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को 2 बारी क्लिक करते हैं, उसको हम डबल क्लिक कहते हैं। इसका मतलब है प्रेस द लेफ्ट बटन ट्वाइस। नेक्स्ट राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है? माउस पे 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो राइट क्लिक होता है जब हम राइट वाले माउस बटन पे क्लिक करते हैं। तो प्रेस द राइट माउस बटन, ये हमारा राइट क्लिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें पहला क्वेश्चन करना है नेम द टाइप्स ऑफ माउस। अब माउस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? पर 3, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस और स्क्रोल माउस। तो 2 बटन माउस में 2 बटन होते हैं, 3 बटन माउस में 3 बटन होते हैं और स्क्रोल माउस में बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है। तो ये हमारे 3 टाइप के माउस हैं। सेकंड, वेयर डू वी अटैच द टेल ऑफ अ माउस। अब माउस को यूज करने के लिए जो उसकी पीछे वाली टेल है, टेल बोलो या फिर पीछे वाली वायर है, उसको हम कहाँ अटैच करते हैं? CPU के साथ अटैच करते हैं, तब भी हमारा माउस चलता है। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ अ माउस। कोई भी 2 फंक्शंस बताओ जो माउस के होते हैं। सो फंक्शन इज क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग। आप लेफ्ट माउस बटन पे जब एक बारी क्लिक करते हैं तो उसको क्लिकिंग बोलते हैं, 2 बारी क्लिक करते हैं तो डबल क्लिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ एक्टिविटी। फिल द बॉक्सेस विद सूटेबल लेटर्स टू मेक डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू अ माउस। यूज द हिंट्स गिवन बिलो। तो आपको ये हिंट्स दिए हुए हैं और आपको ये पजल खुद से सॉल्व करनी है। तो ये यहाँ पे M है और बाकी सारा ब्लैंक है और एंड में DR है। तो M और सबसे लास्ट में D और बीच में सारा ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माउस पैड। तो यहाँ पे हमने माउस पैड फिल कर दिया। माउस पैड क्या होता है? जिस पे हम माउस को रख के चलाते हैं, उसे हम माउस पैड बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला करते हैं। अब इसमें एस आ रहा है स्टार्टिंग में और टी एंड में आ रहा है, तो किस में आ रहा है इसमें, इन ऑप्शंस में से? एस स्टार्टिंग में और टी एंड में। सिलेक्ट, सिलेक्ट लिख दिया हमने। अगर हमें कोई भी आइटम सिलेक्ट करनी हो उसको हम सिलेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला करते हैं। तो ये इसमें क्या आ रहा है? डी आ रहा है पहले वर्ड, पहले अल्फ़ाबेट में, और थर्ड अल्फ़ाबेट इसका ए है। तो कोई है ऐसा वर्ड जिसमें डी आ रहा है पहले? यस, ये रहा ड्रैग। अगर हमें स्क्रीन पे मूव करना है हम उसको ड्रैग बोलेंगे। नेक्स्ट, अब कोई ऐसा वर्ड है जिसमें स्टार्टिंग में पी आ रहा है और एंड में आर आ रहा है, कोई है इनमें से? यस, पॉइंटर। तो हम पॉइंटर लिख देंगे यहाँ पे। पॉइंटर क्या होता है? माउस का जो एरो होता है हम उसको बोलते हैं ना माउस पॉइंटर, उसी का नाम इसने पॉइंटर बोल रखा है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये वाला वर्ड है। तो ऐसा कोई वर्ड है जिसमें ए आर और डब्ल्यू आ रहा हो? देखो यहाँ से, यस एरो। तो माउस पॉइंटर एक टाइप का एरो होता है, ये उसी एरो की बात कर रहा है। नेक्स्ट लेफ्ट बटन। देखो ये हमारे वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट फिट होगा? लेफ्ट बटन ही। तो लेफ्ट बटन क्या है? माउस पे
दो टाइप के बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो है यहाँ पे आएगा लेफ्ट बटन। नेक्स्ट हमारा एक ये वर्ड रहता है जिसके स्टार्टिंग में डी आ रहा है और एंड में के आ रहा है, स्टार्टिंग में डी और एंड में के, तो क्या है ये? डबल क्लिक। अगर आप माउस के लेफ्ट बटन को दो बारी क्लिक करो तो उसको हम बोलते हैं डबल क्लिक। तो हमने सारे वर्ड्स कवर कर लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।